Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. So, students, let's start the class. First of all, we will do revision of our assembly, our weekly learning. All right? So, let's start. Fruit of the week is orange. Repeat after ma'am. Say orange. All right. Very good. Color of the week is also an orange. All right. An orange. Very good. Now, shape of the week. Shape of the week is sphere. Sphere. Repeat after ma'am. Sphere. All right. Then word of the week. Word of the week is sunny. Which one is word of the week? Sunny. All right. Sunny. Then sentence of the week. Sentence of the week is today is a sunny day. Repeat after ma'am. Today is a sunny day. Alright. Then month of the year. Month of the year is May. Which month is this? May. ठीक है. So बच्चों, we have done our weekly learning assembly. ठीक है, हमने वीकली लर्निंग भी कंप्लीट कर ली है. आप लोगों ने मुझे अपनी वीकली लर्निंग की एक वीडियो बनानी है. मैं आपको लाइव सेशन में भी बोलती हूँ और रिकॉर्डिंग में भी वीकली लर्निंग की एक वीडियो बना के मैम को सेंड करनी है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ हिंदी रिटन क्लास. ऑलराइट, हिंदी रिटन क्लास है ये आपकी. आज हम रिविजन करेंगे. ओके, आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम हो चुका है, अब आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, तो हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे. ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट. हमारा पहला प्रश्न है, चित्र पहचान कर सही अक्षर पर गोला करें. मैंने सिखाया है ना बच्चों आपको, चित्र दिखा के फिर आपको अक्षर पहचानने को बोलती थी. ये वही क्वेश्चन है. ठीक है बच्चों, देखिए मैम कैसे कर रहे हैं, आपने भी वैसे ही करना है. चलिए पहचानिए कौन सा चित्र है ये. ये है अनार का चित्र. आई समझ में? ये है अनार का चित्र. ठीक है बच्चों, अनार का चित्र और हम इसका पहला अक्षर पहचानेंगे. अ से अनार होता है, याद आया? अ से अनार होता है, तो अब हम इसमें अ खोजेंगे. ठीक है, ये है अ. अ से अनार. ओके, अब पहचानिए ये कौन सा चित्र है बच्चों. पहचानिए, ये है इमली का चित्र. ठीक है, ये है इमली का चित्र. इसमें हमने पहला अक्षर खोजना है. कौन से अक्षर से इमली होती है? अ से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली. वेरी गुड, छोटी से इमली होती, तो अब छोटी से छोटी को पहचानिए. क्या ये छोटी है? क्या ये छोटी है? नहीं जी, बिल्कुल ये है छोटी. वेरी गुड. अब ये वाला चित्र देखिए, ये है आम का चित्र. कौन सा चित्र है ये बच्चों? ये है आम का चित्र. तो क्या री से आम होता है? नहीं. तो क्या आ से आम होता है? हाँ जी, आ से आम होता है. क्या उसे आम होता है? नहीं, उसे भी नहीं होता है. आम होता है आ अक्षर से, तो हम इसको गोला लगाएंगे. ठीक है, ये है बड़ा से आम. आपने ये ऐसे ही करना है. ठीक है, तो अब हमारा अगला सवाल. अगला प्रश्न है,
आ अक्षर को खोजें एवं गोला लगाएं। ठीक है, ये है हमारा आम और आ को हमने क्या करना है, इसमें ढूंढना है, उन सबको हमने गोला लगाना है। ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या ये आ है, नो, ये आ है जी आ। ठीक है, और आ खोजेंगे, यस, ये भी है आ, आ से आम, आ से आम, यस बिल्कुल, आ से आम, आ से आम, आ से आम, आ से आम, वेरी गुड, ये है आ से आम। आपने ये सवाल ऐसे ही करना है। ठीक है बच्चों, आ से आम। ठीक है, अब हमारा थर्ड है, थर्ड प्रश्न, प्रश्न तीसरा, चित्र देखकर सही अक्षर पर मिलान करें। ठीक है, अब हमने चित्र देखना है और अक्षर के साथ मिलाना है। ये इसके आगे ऐसा अक्षर नहीं लिखा होगा, यहाँ आपने अक्षर ढूंढने हैं। ठीक है, तो हम चित्र देखते हैं, ये है अंगूर का चित्र और यहाँ हम अक्षर खोजेंगे। ठीक है, कौन से अक्षर से अंगूर होता है, अंग से, तो हम अंग को खोजेंगे, वेरी गुड, ये है अंगूर, अंग, और ये है अंगूर, तो हम, ठीक है ऐसे। अब ये क्या है, ईख, ईख, बड़ी से ईख। ठीक है, ठीक है बच्चों, बड़ी से ईख, उसे ऊन। ठीक है, आ से आम, यह चित्र देखकर सही अक्षर पर मिलान करें। ठीक है, ये है हमारा, ये हमारी है हिंदी की वर्कशीट, हिंदी की वर्कशीट, रिवीजन वर्कशीट हमने आज कर ली है। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपने ऐसे ही सवालों का घर पे भी प्रैक्टिस कर ली। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।